श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण पहला, सूत्र 15, अनुवाद। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन अर्थात निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। व्याख्या। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, वह उपलब्ध ही है। तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है। उसे कहीं खोजना भी नहीं है, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस लिए कर रहा है? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रुति कहती है, करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है। अतः तू जहां है वही मुक्त है। यह अज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निवृत्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तू उसी से बंध जाएगा। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है। स्वास्थ्य तो उपलब्ध है ही, रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य हो जाते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर से होती है, वह उपासना मन से, योग चित्त की चंचलता दूर करता है। इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्ध नहीं होती। अतः तू समाधि का जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना है मोक्ष नहीं है। यह वासना ही तो बंधन है, चाहे संसार की हो या मोक्ष की, कोई अंतर नहीं है। तू तो असंग क्रिया रहित, स्वयं प्रकाशवान एवं निर्दोष है। इसे तू जान मात्र ले, यही पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से, शरीर व मन से किए, मन ने किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है?
तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं, वह न पापी है, न पुण्यात्मा, न साधु है, न असाधु। जिस शरीर व मन ने कर्म किए वे जा चुके, तू दृष्टा मात्र है। दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का एक सा उपदेश बोध का है, यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरिओम नारायण नारायण।